चाहे और दूर बहुत है तारे फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे नदियों के भंवर बहते हैं अनगिनत है समय के धारे और लीला का एक मोती कहते हैं जमी हम सारे छोटी सी बूंद की धरती सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है आकाश बहुत ऊंचा है क्या कर रहे हैं वो तो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं सूरज की पूजा इस जमाने में जबकि साइंस ने साबित कर दिया है कि सूरज भगवान है ही नहीं अच्छा तो भगवान क्या है भगवान मतलब गॉड हाँ ये तो मुझे भी पता है कि भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं हाँ लेकिन गॉड क्या है वो एक दूसरी ही शक्ति है कौन सी शक्ति वो एक शक्ति है परम शक्ति एब्स्ट्रैक्ट उसे समझाना यानी कि तुम खुद भी नहीं जानते सिर्फ मानते हो कि वो एक शक्ति है राइट फिर वो लोग भी वही कर रहे हैं वो लोग सिर्फ एक गैस के गोले की पूजा कर रहे हैं सुमन नहीं वो अपने विश्वास की पूजा कर रहे हैं जैसे कि तुम्हारा विश्वास आज के विज्ञान की देन है वैसे ही उनका विश्वास बरसों की मान्यताओं और संस्कारों से बना है भले ही वो मान्यताएं गलत हो सकता है तुम्हारा ज्ञान अधूरा हो क्या मतलब तुम भी यही मानती हो कि सूरज हाँ सूरज कोई ना कोई दैवी शक्ति जरूर है उसी से ग्रह बने हैं ये पृथ्वी बनी है ये सागर बना है और सागर से सभी जीव निकले हैं ये तो तुम्हारा विज्ञान भी मानता है आशीष हम तुम ये सागर पृथ्वी ग्रह सब कुछ सूरज के ही अंश हैं जिससे इतनी बड़ी सृष्टि बनी हो जिसमें इतना तेज और इतनी शक्ति हो उसे हम सिर्फ आग और गैस का गोला तो नहीं कह सकते ना आशीष नॉनसेंस सूरज महज एक गैस का गोला है और कुछ भी नहीं उसमें जो तेज है उसकी वजह है ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के फ्यूजन से पैदा होती है अच्छा तो कौन करता है ये फ्यूजन कहाँ से आती है हाइड्रोजन ओफो मम्मी आप फिर बहस करने लगे मंदिर देखने नहीं चलेंगे क्या चलते हैं बेटे Thank you.
मंदिर है? बेटे ये सूरज देवता का मंदिर है। नहीं बेटे, ये सूर्य मंदिर है। ये मंदिर गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव ने 13वीं सदी में बनवाया था। किस लिए बनवाया था मम्मी? सूरज भगवान की पूजा करने के लिए। अपनी परंपरा का मजाक उड़ाने से कोई आधुनिक नहीं बन जाता। हमारे देश में ही नहीं, दूसरे मुल्कों की सभ्यताओं में भी सूरज को देवता माने के निशान मिलते हैं, जैसे कि यूनान में अपोलो, मिस्र की सुमेरियन सभ्यता में रा की पूजा होती थी। रा का मतलब सूरज। इसमें कोई ना कोई बात तो होगी ना? मम्मी बस क्यों करती हो, वो देखो कितना सुंदर मंदिर है, एकदम रथ जैसा। हाँ, और वो जो दरवाजा है ना, वहाँ पे 9 ग्रह लगे हुए थे, अब वो पास वाले नए मंदिर में रखे हैं। 9 ग्रह मतलब रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हमारे पूर्वजों को ग्रहों के बारे में कितनी अच्छी जानकारी थी। नॉनसेंस, रवि, चंद्र, राहु, केतु ये तो ग्रह है ही नहीं। लेकिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये क्या है? मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इन्हें तो आज का विज्ञान भी प्लैनेट ही मानता है। मम्मी वो देखो, रथ में घोड़े भी जुटे हुए हैं। हाँ बेटे, वो 7 घोड़े हैं, ये सूरज देवता का रथ खींच रहे हैं। क्या सचमुच घोड़े सूरज देवता का रथ खींचते हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन इन 7 घोड़ों का मतलब है सूरज के प्रकाया में 7 रंग होते हैं। क्यों जी, होते हैं ना? और उन पहियों का मतलब? उनका मतलब मैं तुम्हें वहाँ जाके पूरा पूरा समझाती हूँ, चले। ऐसे 24 पहिए हैं। इन पहियों का मतलब है चंद्रमा साल में 24 बार घटता और बढ़ता है। बेटे अब इन पहियों की मोटी तीलियों को गिनकर देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, तो इन 8 तीलियों का मतलब है दिन में 8 प्रहर होते हैं। ये दिन, रात, प्रहर, चंद्रमा, 9 ग्रह, पृथ्वी, जीवन, प्रकाश, सब कुछ सूरज से है, सूरज से जुड़ा हुआ। ये मंदिर इस बात का गवाह है कि हमारे पूर्वजों को खगोल विज्ञान, गणित और सूरज की शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था। बेटे जरा मम्मी की मदद करो, आओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अजी क्या नहीं हो सकता? अरे भाई, यही कि सूरज भगवान नहीं है। आखिर मान क्यों नहीं लेते? जब मैथ्स और साइंस की समझ रखने वाले हमारे पूर्वज, जबकि वो सूरज की पूजा करते थे, तो कोई ना कोई बात तो होगी ही ना? देखो सुमन, कोई बात नहीं थी, शायद उनका ज्ञान सीमित था, अब ज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है। मतलब सूरज और कुछ नहीं है, सिर्फ गैस का गोला है। बिल्कुल। फिर वो गैस खत्म क्यों नहीं हो जाती, ठंडी क्यों नहीं हो जाती? अरे भाई, हो रही है, होने जा रही है, एक दिन सूरज एकदम ठंडा हो जाएगा। क्या? अरे हंसने की बात नहीं है सुमन, दिस इज फैक्ट, ये सच है। सूरज की ऊर्जा का भंडार भी तो सीमित है, अरे भाई कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। लेकिन जनाब, अगर ऐसा हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जीवन मात्र खत्म हो जाएगा।
ये तो सोचने की बात है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मोहतरमा, मगर लगता है जैसे तुमने मुझे सूर्य मंदिर का दर्शन कराया वैसे ही तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने के लिए तुम्हें सूरज का दर्शन कराना पड़ेगा। सूरज का दर्शन? यानी हम सूरज देखने सूरज में जाएंगे? नहीं जी, उदयपुर जाएंगे। सूरज दर्शन और उदयपुर? मैं समझी नहीं। अरे भाई समझ जाओगी वहाँ पहुँच कर। तो क्या हम यहाँ से उदयपुर जाएंगे, घर नहीं? अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, घूमने निकले हैं, उदयपुर रुक कर जाएंगे, कम से कम तुम्हारे दिमाग का इलाज तो हो जाएगा। इलाज की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। क्या मुझे इतना भी नहीं पता, सूरज आसमान में निकलता है, उदयपुर में नहीं। ओफो मम्मी, बस क्यों करती हो, इसी बहाने हम उदयपुर भी देख लेंगे। ठीक है। वो देखो सोलर ऑब्जर्वेटरी, सौर वेदशाला, आज का सूर्य मंदिर देखो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर भटनागर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर, थैंक यू। आशीष, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था कि तुम उदयपुर आ रहे हो और तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। डॉक्टर साहब, ये है मेरी पत्नी सुमन। नमस्ते। और ये हमारी लाडली बेटी ममता। नमस्ते अंकल। और ये है डॉक्टर भटनागर, यहाँ की सौर वेदशाला के डायरेक्टर। अच्छा। डॉक्टर साहब, सुमन सूरज का दर्शन करना चाहती है। अच्छा अच्छा, ऊपर चलते हैं और अपनी बड़ी टेलीस्कोप से तुम्हें दिखाएंगे, आइए। आओ सुमन, देखो। लेकिन डॉक्टर साहब, सूरज की तरफ यूं देखना आंखों के लिए खतरनाक है ना? तुम ठीक कहती हो सुमन, लेकिन सूरज को नजदीक से देखने के लिए ये खास तरह की टेलीस्कोप है। इसके अंदर प्रोटेक्टिव फिल्टर लगा हुआ है जो आंखों को सूरज की तेज किरणों से बचाता है। इसमें देखने से तुम्हें सूरज का चेहरा साफ नजर आएगा। आओ देखो, डोंट वरी। क्या दिखाई देता है सुमन? कुछ उमड़ता घुमड़ता बवंडर जैसा। मम्मी मैं भी देखूंगी। हाँ हाँ बेटे आओ। क्या दिखाई देता है ममता? बहुत बड़ा एक गोला जिसमें से आपकी लपटें भी निकल रही हैं। और कुछ? रथ, 24 पहिए, 7 घोड़े है? नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अंकल, सूरज कैसे बना? आज से करीब 5 अरब वर्ष पहले एक गैस का बहुत बड़ा बादल था। ये बादल अपनी धुरी के चारों तरफ घूमता घूमता और अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ता गया और सिकुड़ते सिकुड़ते इसने एक तश्तरी का आकार ले लिया। इस तश्तरी के टूटने से अपने ग्रह और उपग्रह बने और इसके बीच के हिस्से का जो केंद्र था उससे सूरज बना। ममता मुझे देखने दो।
कितना तेज, कितनी रोशनी है सूरज में। जानती हो कि सूरज में कितनी ऊर्जा है? कितनी? देखो मैं तुम्हें प्रयोग करके दिखाता हूँ। देखो इतनी दूर से सूरज से आने वाली किरणों का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं इस लेंस से इकट्ठा करता हूँ और मैं इस कागज पर केंद्रित करता हूँ। देखो ये जलने लगा। इससे तुम अंदाज लगा सकती हो कि सूरज में कितनी ऊर्जा है। सूरज से केवल एक सेकंड में पृथ्वी पर गिरने वाली ऊर्जा की दर करीब 100 करोड़ मेगावाट है। पृथ्वी पर रहने वालों को जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है ये उससे करीब 10,000 गुना अधिक है। इसके अलावा सूरज के चारों ओर अन्य दिशाओं में बिखरने वाली ऊर्जा की दर करीब 400 करोड़ किलोवाट है। अंतरिक्ष में बड़े बड़े आईने लगाकर और सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे कई कामकाजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सोलर सेल, सोलर फर्नेसेस, सोलर वाटर हीटर। और ये देखिए हमारा खाना इस सोलर कुकर में बन रहा है। और फिर भी सूरज की ऊर्जा इतनी है कि वो हमारे लिए कम नहीं पड़ेगी। इससे आप अंदाज लगा लो कि सूरज में कितनी ऊर्जा है। अंकल ये सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी क्या चीज है? सूरज में इतनी ऊर्जा कहां से पैदा होती है? बेटा ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके जवाब के लिए तो हमें अपनी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। सूरज में कितनी ऊर्जा है और कैसे पैदा होती है इस सवाल ने बहुत सालों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को परेशान रखा। नई नई थ्योरीज बनी और वो गलत साबित हो गई। आखिर 1930 में कैम्ब्रिज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडिंगटन ने सूरज की ऊर्जा का रहस्य खोज निकाला। एडिंगटन ने एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सन बनाया। उसने मान लिया कि सूरज एक गैस का गर्म गोला है और मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने सूरज का आकार तक निश्चित कर दिया। डॉक्टर साहब ये एडिंगटन ने सूरज को गैस का गोला क्यों माना? तुम्हें जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइमोडियल गैस क्लाउड से अपना सौर मंडल बना है और उसके केंद्र की गैस अपने ही गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और जैसे जैसे ये गैस सिकुड़ने लगी वैसे वैसे अंदर का तापमान बढ़ने लगा और गैस का दबाव बाहर की ओर भी बढ़ने लगा। इस किताब में देखो ये बाहर की गैस का दबाव गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंदर की ओर है और केंद्र का दबाव बाहर की ओर है। एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब बाहर का दबाव और अंदर का दबाव बराबर हो गया ये दबाव पूरे सूरज के भार को संभाल लेते हैं और इसी वजह से एडिंगटन ने सूरज को एक गैस का गोला माना। डॉक्टर साहब क्या हवा के दबाव इतने कामयाब हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये देखो। पानी नीचे क्या नहीं गिरता अंकल? बेटे हमारे चारों तरफ की हवा के दबाव ने इसे थामा हुआ है। एडिंगटन साहब ने अपने मैथमेटिकल मॉडल से सूरज के केंद्र का तापमान और दबाव का अंदाज लगा लिया था। जैसे जैसे दबाव अंदर की तरफ बढ़ता गया तापमान भी बढ़ता गया और जैसे जैसे दबाव कम होता गया तापमान भी कम होता जाता है। सूरज की बाहरी सतह के पीले रंग से वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था कि सूरज की सतह का तापमान कितना है और यह करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस था। पर एडिंगटन साहब की मैथमेटिकल इक्वेशन से हम सूरज के केंद्र का तापमान भी पता लगा सकते हैं और यह करीब 1 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा है।
माय गॉड, सूरज के अंदर 1 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा गर्मी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तापमान का सूरज की ऊर्जा से क्या संबंध? संबंध है। इसी केंद्रीय तापमान से एडिंगटन को सूरज की ऊर्जा का सुराग मिला था। वो कैसे डॉक्टर साहब? इस सवाल के जवाब के लिए आइए मेरे ऑफिस में चलते हैं। वैज्ञानिक जे पेरिन के अनुसार छोटे छोटे न्यूक्लियाई जब टकराते हैं तो एक बड़े न्यूक्लियाई को बनाते हैं, जैसे कि हमारे सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई एक बड़े हीलियम के न्यूक्लियाई को बनाते हैं। लेकिन 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई का भार 1 हीलियम के न्यूक्लियाई के भार से कहीं अधिक होता है। अब सवाल यह पैदा हुआ कि हीलियम के 1 न्यूक्लियाई के भार में कमी कैसे पैदा हो गई। इस क्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अनुसार फ्यूजन क्रिया में किसी पदार्थ का भार जितना कम होता है उसी के अनुपात में ऊर्जा या एनर्जी पैदा होती है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन के केंद्रों के फ्यूजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया में गैस के भार की जितनी क्षति होती है उसी के अनुपात में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है ना? वेरी गुड, तुमने तो एडिंगटन की थ्योरी को बिल्कुल ठीक पकड़ा। वाह सुमन वाह, तुमने सूरज की ऊर्जा का रहस्य बहुत ही जल्दी समझ लिया है। अंकल, क्या हाइड्रोजन बम भी इसी तरह से बनता है? हाँ बेटी, हमारा दुर्भाग्य है कि इंसान इस शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करना चाहता है। लेकिन ये बात भी है कि वैज्ञानिक